चावंड महाराणा प्रताप की वो संकटकालीन राजधानी है। हल्दीघाटी के बाद मेवाड़ को बचाना था, मेवाड़ के खानों को बचाना था। उस समय मेवाड़ की पहचान यूरोप तक थी। उस प्रदेश को बचाना था, इसलिए आवश्यक भी था कि मेवाड़ की संपत्ति को बचाया जाए। प्रताप ने वो काम किया, चावंड को बचाने का, जावर को बचाने का और बाबर माल को बचाने का और पूरे छप्पन को बचाने का। प्रताप का त्याग और समर्पण इतना ऊंचा था कि वो भले ही छोटे कस्बे में, छोटे गांव और छोटे इलाके में रह जाएंगे, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। वो इतनी संपन्न धरती जिसकी पहचान 8वीं शताब्दी में सुलेमान सौदागर अरब तक थी, प्रताप ने इसे बचाया और चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की, जिसे विजय कटक का डेरा भी कहा गया। चावंड कई दृष्टियों से संपन्न रहा। चावंड अप्रसिद्ध लेकिन उस समय का समृद्ध था। यहाँ राठौड़ परिवार थे, लोना राठौड़ जो समृद्ध थे। धन्य है चावंड जिसने मेवाड़ मुकुट भारत के वीर सपूत को आंचल में रखा। चावंड की रागमाला चित्र शैली, चामुंड शैली और चावंड शैली की स्थापना जिसके 42 चित्र मिलते हैं, जिसमें 6 चित्र राग और 36 रागिनियों के चित्र सबसे पहले चावंड में प्राप्त हुए। 1429 में चामुंडपुरी था, जो 1582 के आसपास राजधानी के रूप में जाना गया। धन्य है चावंड जिसने मेवाड़ को एक पहचान दी, खास तौर से यह पहचान रागमाला चित्र शैली में देखी जा सकती है। नसरुद्दीन ने यहाँ रहकर चावंड शैली की स्थापना की। दुनिया भर के कला प्रेमियों के लिए चावंड एक तीर्थ जैसा है। संयोग ही कहिए कि इन दिनों इन चित्रों का सर्जक एक गैर हिंदू निसारदी था। यहीं पर प्रताप ने पर्यावरण के लिए वृक्षायुर्वेद जैसी विद्या पर अनुसंधान करवाया और पूरे मेवाड़ में वाटिकाओं की संस्कृति के विकास का श्रीगणेश किया। जल संसाधनों के पुख्ता प्रबंधन की दिशा में प्रताप ने विश्ववल्लभ ग्रंथ के रूप में अवदान किया। मेवाड़ में प्रताप के रहते न कोई विद्रोह की चिंगारी भड़की और न ही उनके बाद में। चावंड जैसे छोटे से गांव में विक्रम संवत 1653 माघ शुक्ल एकादशी तारीख 29 जनवरी 1597 को आखिरी सांस लेने वाले महायोद्धा महाराणा प्रताप निश्चित ही प्रतापी इरादों के राष्ट्रगुरु का नाम है। इस व राजपूताना की आन बान शान सर्वधर्म संभाव के साथ मेवाड़ की सुरक्षा व अंत तक अधीनता स्वीकार न करने वाले राष्ट्रनायक मेवाड़ धरा के वीर सपूत भारत माँ का गौरव, स्वतंत्रता व स्वाभिमान का प्रेरक महाराणा प्रताप के महल के अवशेष चावंड के गौरवशाली इतिहास आज भी बयां कर रहा है। चावंड तेरे रजकण में देशवासी नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वयं को धन्य मानते हैं। चावंड के आसपास बलुआ में चामुंडा माता मंदिर, वहाँ पहाड़ी पर बने परकोटे, टिक्कम बावजी मंदिर की पहाड़ियों में बने परकोटे, प्रसाद के निकट तन्नेश्वर महादेव मंदिर से सटी पहाड़ियों पर घोड़े के बांधने के कड़े, जावरमाला क्षेत्र के परकोटे के प्रमाण बताते हैं कि प्रताप चावंड के आसपास के पूरे क्षेत्र में ऐतिहासिक धरोहर आज भी प्रताप की गौरव गाथा गा रहे हैं। प्रताप के चावंड में नश्वर शरीर त्यागने के बाद महलों से ठीक 2 किलोमीटर दूर केजड़ तालाब के त्रिवेणी संगम पर बंडोली में दाह संस्कार किया गया, जहां आज भी समाधि बनी हुई है। प्रताप, तुम्हारे त्याग, तपस्या और स्वाभिमान को हम ही नहीं पूरा संसार आदर की दृष्टि से देखेगा। महाराणा प्रताप अपनी चरण रस से चावंड को कई मायनों में गौरव दे गए। चावंड वो धरती है जहां कला प्रेम और सांस्कृतिक विरासत को सृजित किया। यहां रहते मेवाड़ में मुगलों के आतंक का साया तक नहीं पड़ने दिया। यहां खंडर में तब्दील महाराणा प्रताप के महल चावंड की
माटी पूजनीय है, वंदनीय है, जिसने भारत के वीर योद्धा को अंतिम सांस तक अपने आंचल में सुरक्षित रखा। इस मिट्टी में स्वाभिमान, प्रताप के कला और सांस्कृतिक प्रेम की महक आज भी मिलती है। धन्य है प्रताप, धन्य धन्य है तेरा राष्ट्र प्रेम, धन्य है भारत के वीर सपूत, जो चावंड मेवाड़ का मान पूरे विश्व में बढ़ाकर खुद भी धन्य हुए और चावंड को भी तीर्थ बना गए।